मेरे चैनल किरण होम क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के लिए ये इस तरीके का एक क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इस डिज़ाइन का अगर आप स्वेटर, कार्डिगन या बेबी फ्रॉक या बेबी टॉप में भी डाल सकते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेगा। आप चाहें तो आप इसका एक बैग भी बना सकते हैं। तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है ये आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। इसका रॉन्ग साइड कुछ इस तरीके से है। और राइट साइड इस तरीके से। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड। और ये बहुत जल्दी आसानी से कम समय में बन भी जाएगा। इसके लिए फ्रेंड इसके लिए मैंने पिंक कलर का ये ऊन लिया है। आप जितने नंबर की सिलाई लेंगे, जितने बड़े नंबर की सिलाई लेंगे फ्रेंड, उतने ही इसका लुक काफ़ी उभर के आएगा डिज़ाइन। और ये मैंने सिलाई ली है 7.5 की मैंने सिलाई ली है। ये देखिए, एक चैन छोड़कर मैं दूसरे चैन में इस तरीके से पूरी सिलाई डाल बनानी है मुझे। डबल क्रोशिया, लेकिन मुझे सारा एक साथ ही लेना है सिंगल क्रोशिया की तरह। आप फंदे लेंगे डबल क्रोशिया की तरह, लेकिन हम तीनों एक साथ इसको बिन लेते हैं। ये देखिए, डबल क्रोशिया में हमें फंदे लेने हैं, सिंगल क्रोशिया की तरह सारे फंदे हमें बिन लेने हैं। ये पूरी रो में इसी तरीके से कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये इस तरीके से इसका बना लिया है बॉर्डर। मुझे क्या करना है, रॉन्ग साइड से एक चैन बिननी है। इस तरीके से सारे फंदे मुझे इसी क्रोशिया में इकट्ठे करने हैं। डबल क्रोशिया जैसे फंदे लेते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने इस तरीके से सारे फंदे इसी क्रोशिया में ले लिए। अब मैं दो फंदे करके बिनती हुई जाऊंगी। इस तरीके से
ये आपको दो फंदे सामने ही साफ दिखाई दे जाएंगे। ये दो फंदों को हमें एक साथ लेना है। ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। फिर हमें उसी तरीके से करना है, इस फंदे को छोड़ देना है। नेक्स्ट से फिर हम वही रिपीट करेंगे फ्रेंड। इस सारे फंदे हम इसी तरीके से फिर लेंगे फ्रेंड। अगर आपके पास बड़ी क्रोशिया होगी, बड़े नंबर की, जैसे सलाइयाँ होती हैं उस तरीके की क्रोशिया होगी, तो आपके लिए बहुत आसानी से आप ये इसको बना सकते हो। ये देखिए, दो ले लिए इसको। अब फिर हम ये दो फंदे आप जितनी ही नंबर की सिलाई लेंगे, ये डिज़ाइन उतना ही उभर के आएगा। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है बनके। ये देखिए, हल्की हल्की जालियाँ भी हैं। अगर आप चाहें तो अपने बच्चे का या हस्बैंड का या बेटे का कैप भी बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगेगा कैप में। मैं किस में इस्तेमाल करूँगी इस डिज़ाइन को, ये आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड। आई होप आप लोगों के लिए पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बात और करनी थी आप लोगों से फ्रेंड, कि मैं सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबके साथ, उन सबके चैनलों पे, वीडियोस पे मैं टाइम बाय टाइम तो नहीं जा पाती, लेकिन हाँ, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। और जब जाती हूँ तो 5 दिन का टारगेट या जो मेरा रह गया है पीछे का, 1 हफ्ते का या 5 दिन का, मैं वो सारे ही वीडियोस देखती हूँ अपने फ्रेंड्स के। प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, अलग हूँ। मैं अपने सारे फ्रेंड की वैसे ही हेल्प करती हूँ, वैसे ही वॉच टाइम वीडियो करती हूँ, चाहे 2 मिनट का देखूँ चाहे 3 मिनट का देखूँ, क्योंकि मेरी मैसेज करने की स्पीड ही इतनी डाउन है, हल्की है, कि मैं जब तक मैसेज टाइप करती हूँ फ्रेंड, तब तक मेरा 3 मिनट 2 मिनट वॉच टाइम हो ही जाता है हर फ्रेंड्स के साथ। तो प्लीज़ आप लोग ये कोई मत समझिएगा कि मैं आप लोगों का वीडियो नहीं देखती, लाइक नहीं करती, शेयर भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी करती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी हेल्प करती हूँ।
कुछ फ्रेंड्स मेरी मुझसे इसी बात के लिए थोड़ा नाराज़ हो गई हैं, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, लेकिन मैं उन सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, मैं सबके साथ हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग भी थोड़ा मेरा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करा करिए, बस मुझे थोड़ा इतना ही कहना था आप सबसे। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुनाई के पैटर्न के साथ, मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।